आगामी 6 अगस्त को पूरे देश में वास्कुलर डे मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान से देश के 25 शहरों में वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। और इस अभियान में नागपुर से स्वास्थ्य अस्पताल और रोटरी क्लब नागपुर अगुवाई कर रही है, जिस परिप्रेक्ष्य में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर पुरोहित गुप्ता ने जानकारी दी कि 6 अगस्त को होने वाले इस मैराथन में लगभग 700 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे, जहां 6:30 बजे पहुंचना अनिवार्य है और 7 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो कुल 4.5 किलोमीटर की होगी। और सिविल लाइन से प्रतिभागी दौड़ना शुरू करेंगे। इस वॉकथॉन में पंजीकरण हेतु गूगल पर जानकारी दी गई है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में बैठक कार्यशैली के कारण हम मधुमेह, शरीर की नसों में योग्य रक्तचाप का नहीं पहुंचना आदि गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके मायने चलना और शरीर की हलचल करना काफी आवश्यक है। और ऐसी गंभीर बीमारियों को नजरअंदाज न करते हुए उचित समय पर इलाज करने पर इन बीमारियों पर मात कर सकते हैं। इसी जागृति के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। इस समय स्वास्थ्य अस्पताल के हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर पंकज हरकूट ने इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लेने की अपील जनता से की है। 6 अगस्त को नेशनल वैस्कुलर डे के उपलक्ष्य पे देश भर में 25 शहरों में वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। इसका रीज़न है एम्पुटेशन फ्री इंडिया की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। उससे हमारा रीज़न है कि 3 मेन कारण जिनके कारण कि एम्पुटेशंस होते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या स्मोकिंग से रिलेटेड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ या वैस्कुलर ट्रॉमा, जिसके कारण जो एम्पुटेशंस होते हैं वो हम बचा सकते हैं अगर मरीज सही समय पर हॉस्पिटल पहुँच जाए तो। इसी चीज़ की के बारे में अवेयरनेस के जल्द से जल्द वैस्कुलर सर्जन को आप दिखाएं, ये प्रिवेंटेबल एम्पुटेशंस हैं और ये बचाए जा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, हम अगर ऑनलाइन देखें ऑनलाइन वॉकथॉन 2023, या आप स्वास्थ्यम हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। और ये इवेंट 6 अगस्त सुबह 6:30 बजे जमा होना है, 7 बजे फ्लैग ऑफ होगा। 4.2 किलोमीटर्स का वॉकथॉन है जिसमें काफ़ी चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस नोबल कॉज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इसको सफल बनाएं। तो ये जो वॉकथॉन है, हार्ट डिसीजेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो एम्पुटेशन बढ़ रहे हैं, मतलब पैर की जो बीमारियाँ बढ़ रही, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। और ये 6 अगस्त को है और इसकी विशेषता ये है कि हम लोग 4 से 4.5 किलोमीटर चलेंगे, करीब 700 से 800 पार्टिसिपेंट रहेंगे इसमें। और ये बेसिकली इस डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने का एक प्रयास है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।